पावर बैंक देख रहे हो तो ये ऑप्शन आपके लिए, ये है 10,000 वॉट का एंकर का डिवाइस। इसके रिव्यूज़ बहुत सॉलिड हैं, मतलब जैसे अमेज़ॉन पे जाते हो तो 77,808 रिव्यूज़ हैं, समझ रहे हो। उसकी रेटिंग है 4.7, तो मतलब अपने आप में काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि 4.7 USB को ये रेटिंग को अचीव कर पाया। अब इसमें क्या है कि अगर आप ये पावर बैंक 10,000 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और काफ़ी अच्छा डिवाइस है, ठीक है, दो डिवाइस एट ए टाइम चार्ज हो जाते हैं, USB-C टाइप का आउटपुट इसमें निकला हुआ है तो बहुत आराम से चार्ज हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो इसके फीडबैक मतलब अमेजिंग है, मैंने इसके फीडबैक देखा था, तो डेफिनेटली 10,000 वॉट का अगर आप चार्जर देख रहे हो तो ये ले सकते हो, आज की डेट में 2,000 रुपीज़ में मिल जाता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, पावर बैंक के लिए बहुत ही अच्छी डील है, और कुछ ज़्यादा सोचने का आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक और ऑप्शन बताता हूँ, अगर थोड़ा बजट टाइट है और आप 20,000 वॉट का देख रहे हो तो ये कॉम्पैक्ट अर्बन कंपनी का है। अर्बन कंपनी एंकर के कंपैरेटर में थोड़ी सी स्मॉल है, छोटी है, लेकिन ये जो है ना डिवाइस काफ़ी अच्छे आते हैं, अर्बन के भी मैंने यूज़ किए हैं, और ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है, 20,000 मेगाहर्ट्ज़ का है। अगेन ये भी दोनों साइड से सपोर्ट करता है, मतलब आप उसको खुद भी पावर से चार्ज कर सकते हो और दो डिवाइसेस को एक साथ चार्ज कर सकते हो, तो दोनों ही डिवाइस बहुत ही अच्छे हैं और आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। रेटिंग के मामले में थोड़ा सा हल्का पड़ता है, 3.9 रेटिंग है, ठीक है, तो ये एक फ़र्क है। तो अगर आपका बजट ओके है और 10,000 वॉट का आपको फर्स्ट क्लास पड़ता है तो आप उसके लिए जाइए, और अगर आप 20,000 वॉट का लेना चाहते हो तो ये आपको 2,200 में सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा दे के मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ट्राई कर सकते हो। आई होप पावर डील ऑफ द डे में आपको ये डील पसंद आया होगा और आपको यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।